बरेली के विवादग्रस्त जोगी नवादा इलाके से कांवड़ यात्रा निकाले जाने के लिए हिंदू पक्ष ने अब 20 अगस्त को लेकर तैयारियां शुरू की हैं। सावन के सातवें सोमवार से पहले रविवार 20 अगस्त को कांवड़ यात्रा निकालने के लिए प्रशासन से परमिशन मांगी गई है। कांवड़ जत्ते के महंत ने हिंदू नेताओं के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट से मिलकर कांवड़ के लिए अनुमति देने को कहा है। हालांकि अभी प्रशासन ने फिलहाल कांवड़ को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। हिंदू नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने भरोसा दिया है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम निपटने के बाद कांवड़ यात्रा पर विचार किया जाएगा। बता दें कि जोगी नवादा में लगातार सावन के दो सोमवार से पहले रविवार को बवाल हो चुका है। एक बार धर्मस्थल से गुजर रहे कांवड़ियों पर पथराव की घटना हुई थी और इसके बाद अगले रविवार को कांवड़ निकाले जाने को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए थे और प्रशासन को वहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा था। सावन का छठवां सोमवार 13 अगस्त को है। जोगी नवादा में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पहले से ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के कारण पूरे जिले में हाई अलर्ट रहेगा। ऐसे में 15 अगस्त से पहले जोगी नवादा से कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर किसी तरह की तैयारी नहीं की गई, लेकिन इसके बाद 20 अगस्त को लेकर तैयारियां जरूर की जा रही हैं। जोगी नवादा बवाल के बाद कांवड़ यात्रा निकालने की परमिशन निरस्त करने पर भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन से विवाद का हल निकालने को कहा था। मामला बरेली से लेकर लखनऊ दिल्ली तक गरमाया था। अब एक बार फिर सावन के सोमवार को जोगी नवादा से कांवड़ यात्रा निकालने की तैयारियां हो रही हैं और इसके लिए हिंदू पक्ष ने 20 अगस्त की तारीख तय की है।